आजमगढ़, लोकसभा चुनाव के मतगणना की तैयारी पूरी। डीएमएसपी ने मतगणना स्थल व स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। आजमगढ़ जिले की 2 लोकसभा सीटों के लिए कल मतगणना होनी है। आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए एफसीआई गोदाम बिलेसा में मतगणना होगी और लालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट के लिए एफसीआई गोदाम चकवल में मतगणना होगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने मतगणना स्थल व स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया और उन्होंने कहा कि मतगणना के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों को पूरा करते हुए सभी तैयारियां पूरी ली गई हैं। बाइट विशाल भारद्वाज, जिला निर्वाचन अधिकारी। बाइट अनुराग आर्य, पुलिस अधीक्षक आजमगढ़। सर, मतदान होना है तो पर पूरी क्या किस तरीके तैयारी की है? कल प्रातः 8 बजे से काउंटिंग आरंभ होगी। उसके लिए जनपद आजमगढ़ के जो दोनों काउंटिंग सेंटर्स हैं उनमें सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं और गर्मी को देखते हुए जो और आवश्यक व्यवस्थाएं होनी है, कूलर्स की, पंखे की, ठंडे पेयजल की, वो भी हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरीके की व्यवस्था? भारत निर्वाचन आयोग के जो डायरेक्शन है उसमें 3 लेयर्ड सुरक्षा की व्यवस्था के निर्देश है, वो एज पर डायरेक्शन वो सारी व्यवस्थाएं हो रही हैं। सर, कितने दोनों अगर मतगणना स्थल की बात है, कितने कर्मचारियों की पूरी ड्यूटी लगाई गई? इसमें प्रति टेबल 4 कर्मचारी रहते हैं और लगभग 1200 के आसपास हमारे टोटल कर्मचारी एक एक जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसीज हैं उसमें होंगे। अच्छा सर, ये जैसे चक्र की बात की जाए, कितने चक्र तक क्या चीज़ें बनाई गई, क्राइटेरिया बनेगी और कब तक हो जाएंगी? इसमें आजमगढ़ में 31 चक्र होंगे और 30 चक्र लालगंज में होंगे, तो इसके अनुसार हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3 से 4 बजे तक जो परिणाम है वो प्राप्त होंगे। काउंटिंग कितने बजे शुरू होगी सर? 8 बजे प्रातः कल से प्रारंभ। जुलूस वगैरह कोई जुलूस की अनुमति नहीं होगी। जो भी विजयी प्रत्याशी उनका कोई जुलूस की अनुमति नहीं होगी। पूरे जनपद में धारा 144 लागू है, इस तरह से कोई भी जुलूस, विजयी जुलूस प्रतिबंधित रहेगा। कितनी फोर्स है, कितनी सुरक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया? मतगणना को लेकर जो 2 काउंटिंग सेंटर्स हमारे हैं उसमें इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के हिसाब से डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसमें लगभग 1500 के आसपास की पुलिस बल की नफरी है जो लगाई गई है। इसमें सिविल पुलिस के लोग हैं और उसके साथ साथ PAC है, आर्म्ड पुलिस है और पैरामिलिट्री भी इसमें डिप्लॉय की गई है। हमारे पास लगभग 5 कंपनियां पैरामिलिट्री / आर्म्ड पुलिस की हैं जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी लगाई गई हैं। अलग अलग बैरियर पॉइंट्स लगाए गए हैं जहाँ पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा। 100 मीटर का जोन होता है जिसमें कोई वाहन नहीं आ सकता है, उसको बहुत स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाएगा। मोबाइल अलाउड नहीं है। जो ट्रैफिक डाइवर्जन है वो सभी लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है, सभी को अवगत भी करा दिया गया है। ड्रोन के माध्यम से भी हम लोग निगरानी करेंगे और आसपास के एरिया में भी, प्लस संपूर्ण जनपद का जो क्षेत्र है उसमें भी अलग अलग महत्वपूर्ण जो सेंसिटिव पॉइंट है वहाँ पे पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है और बहुत अच्छे तरीके से, सकुशल तरीके से कल मतगणना की कार्रवाई संपन्न कराई। सर, मतगणना से तो काफ़ी भीड़ हो जाती है, उसको लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएँ की जाएंगी? अब अलग अलग बैरियर पॉइंट्स बनाए गए हैं फिल्टर करने के लिए भीड़ को। पहली बात तो यह है कि धारा 144 लागू है तो वैसे भी ये प्रतिबंधित है, अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना एरिया सेंसिटिव होता है उस पर उसी प्रकार के बैरियर पॉइंट और फोर्स लगाते हुए जिस आदमी को जहां जाने की आवश्यकता है और उसके पास जहां जाने का पास है सिर्फ उसी को अलाउ किया जाएगा। जो विधिक रूप से जहां जिसका जाना अलाउड है उसी को अलाउ किया जाएगा, उसके अलावा किसी को अलाउ नहीं करेंगे।